हेलो सलाम कैसी हैं आप जिंदगी में बहुत ज्यादा मामला ऐसे होते हैं कि बल्कि ज्यादा मुश्किलात होती हैं जिनको हम खुद हल नहीं कर पाते हैं उन मसाइल की चाबी हमें नहीं नजर आ रही होती है हमें नहीं पता वो किधर चली गई है या हमने कभी उसको ढूंढा ही नहीं होता तो कई बार होता है वो चाबी हमारे हाथ में ही नहीं दी गई होती हमारा सुकून किसी और के हाथ में होता है तो बड़ा मेहरबानी अगर आपने तालीम हासिल की है अगर आप बालिग हो चुके हैं अठारह उन्नीस बीस साल के हो चुके हैं तो आप इस बात को समझें कि अब आपने जो किताबों में अब तक पढ़ा है कम से कम वो ही अपने दिल दिमाग में डालें क्योंकि किताबें सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं पढ़ी जाती हैं उनकी बातों को अपने अंदर डालें अपने दिल दिमाग को सुकून देने के लिए सारी वो किताबी बातों को घोल के पी लें तो आपको इतनी सी उम्र में ही पता चल जाता है कि आपने अपनी जिंदगी को पुरसकून कैसे बनाना है आपके सुकून की चाबी आपके हाथ में ही है अच्छा कई लोग होते हैं वक्ती सुकून के लिए सीधी चाबियां इस्तेमाल कर लेते हैं हैं उल्टे सीधे जैसे अब पेरेंट्स बोलते कि आपने टीवी ज्यादा नहीं देखना है हम कहते हैं नहीं जी टीवी देखेंगे तो हमने खुश रहना है हमने रिलैक्स रहना है माँ बाप आपकी आईज की प्रोटेक्शन के लिए आपको कहते हैं या देखते हैं कि बच्चा उल्टे सीधे कार्टून देख रहा है इवन के लड़ाई मार कुटाई वाली कोई गेम्स देख रहा है अजीब से ड्रामास देख रहा है बच्चा तो माँ बाप उस लिहाज से बच्चों को समझाते हैं आप कहते हैं नहीं मेरी एंटरटेनमेंट सिर्फ टीवी देखना है या गेम्स खेलना है तो आप ये सोचें कि बुक्स में भी आपको कहा गया है कि किताबें पढ़ें माँ बाप का ध्यान रखें माँ बाप की अतात करें माँ बाप का कहना माना करें तो ना आप अपने माँ बाप का उस वक्त कहना मान रहे हैं ना आप ये देख रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव वे में गुजारें कुछ करके गुजारें तो आप टी वी देख के एंटरटेनमेंट हासिल कर रहे हैं तो ये तो कोई बात ना हुई इसके बजाय अगर आपने अपनी जिंदगी का सुकून लेना है आपको अपनी जिंदगी में कोई ना कोई हॉबी जरूर डालनी चाहिए आप अपने अंदर खंगालें कि आपको कौन सी चीज जैसे पेंटिंग है कुकिंग है गार्डनिंग है स्केचिंग है कोई भी खास किस्म की चीज ऐसी है जैसे हेयर स्टाइल्स कई दफ़ा बच्चियाँ होती हैं कि वो ऑब्सेस्ड होती हैं उनका बस बस नहीं चलता किसी के भी बाल देखती हैं फटाफट से कोम पकड़ती हैं, हेयर ड्रायर पकड़ती हैं, और स्ट्रेटनर पकड़ती हैं पिंस पकड़ती हैं क्लिप पकड़ती हैं और किसी के बाल पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देती हैं और क्या ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बना देती हैं तो ये आपकी हॉबी है अगर आप अच्छी मेहंदी लगा सकती हैं तो ये आपकी हॉबी है आपके अंदर की चीज़ है क्योंकि मेहंदी लगाना हाथों में जो डिज़ाइन होते हैं ये आम बात नहीं है हर कोई नहीं लगा सकती अगर आप लगाती हैं तो आजकल तो ये एज अ प्रोफेशन भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं एज अ हॉबी भी लें कि अगर आप किसी के हाथ में मेहंदी लगा रही हैं तो अगली वो खुश हो गई है वो लड़की के आप इतना अच्छा डिज़ाइन आपने बनाया आपको सेटिस्फैक्शन हुई है कि आपने इतना अच्छा एक आर्ट वर्क किया है मेहंदी के ज़रिए से किसी के हाथ में तो ये आपकी भी सेटिसफैक्शन है आपके अंदर का भी सुकून है और अगर आपने किसी के लगाइए उसका भी सुकून है तो इसके साथ साथ अगर आप उसको एज हॉबी के अलावा अगर आप उसको एज प्रोफेशन भी लें आज तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चियाँ सलोन्स के साथ अपना एक क्या बोलते हैं वो कर लेती हैं कमिटमेंट कर लेती हैं कि जैसे ईद त्यौहार पर तो होता ही है कि उनको इतनी ज़्यादा बच्ची को अपॉइंटमेंट चाहती हैं मेहंदी लगाने के लिए लेकिन वैसे भी शादी है मंगनी है किसी की बर्थडे है कोई भी ऐसे ओकेजन है तो ये मेहंदी लगाने वाली बच्चियों को इतनी ज्यादा सलोन की तरफ से अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं आप किसी सलोन वाली से कमिटमेंट कर लें कि आपने मुझे जब भी आपको कोई मेहंदी लगाने के लिए सलोन में बोले तो आपने या तो उनको मेरा नंबर दे देना या मैं आपके सलोन में आके सलोन में बैठ के मैं उनको मेहंदी लगाऊंगी अपने घंटे उनको बता दें कि इन घंटों में जैसे अगर आप स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं आपके घर के कोई काम है आप मैरिड हैं आपने अपने बच्चों को देखना है आपने अपने घर को देखना है लेकिन फिर भी आप अपनी इस हॉबी को प्रोफेशन बनाना चाहती हैं तो सलोन में चंद घंटे के लिए जाएं जैसे तीन चार घंटे काफी होते हैं और उसमें आप अर्निंग अच्छे तरीके से कर सकती हैं ना आपके अम्मी अबू को ना आपके सास ससुर साहर को किसी को इतराज नहीं हो सकता क्योंकि आप अच्छे काम के लिए मेहनत से कमाने के लिए आप अगर तीन चार घंटे के लिए सलोन में जा रही हैं या इवन कई अच्छी जो आपकी जानने वाली सलोन वाली बहनें होती हैं वो आपको घरों में भी अपॉइंटमेंट दे देती हैं आपकी आसानी के लिए तो आप एक कमरा मुख्त कर ले की तरफ जिसका दरवाजा खुलता हो आपके पेरेंट्स को भी पता हो कि मेरी बच्ची इस वक्त ये मेहंदी लगा रही हैं वो लड़कियां आती हैं वो मेहंदी लगवाती हैं तो आपको पेमेंट आपके सैलून के जरिए से आपके अकाउंट में हो जाती है इतने तरीके आजकल ऑनलाइन आ चुके हैं कि आपके सैलून वाली को पता होता है कि मेरी ये कस्टमर्स जिनके पास मेहंदी लगाने गई हैं तो वो फिर पेमेंट आपको ऑनलाइन कर देती हैं आप पर्सनली ऐसे सबको फैमिली में मोहल्लेदारों को लोगों को फ्रेंड्स को बता सकती हैं कि मुझे मेहंदी लगाने आती है इवन आप अपने आर्ट वर्क अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है आपको कैंडल्स बनाने का शौक़ है आप अपने ऑनलाइन अपनी फ्रेंड्स को बता दें सबको बता दें कि मैं ऐसे ऐसे मेरी आ, एक प्रोफेशन है मेरा तो मैं ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हूँ तो मैं ग्रुप एक बना रही हूँ व्हाट्सएप में आप फेसबुक में अपना एक ग्रुप बनाएं उसमें आप सब अपनी फ्रेंड्स को ऐड करें आप दस फ्रेंड्स को ऐड करेंगी कल को आपका वो पिक्चर्स देखकर आपकी मेहंदी के डिज़ाइन की आपकी कैंडल्स की आपके आर्ट वर्क की पिक्चर्स देखकर 50 पचास और लड़कियां उसमें ऐड हो जाएंगी आपके ग्रुप में तो ऐसा ऐसा आपका काम बढ़ेगा तो ये है आपकी उस पढ़ाई का इस्तेमाल जिसको आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा और इसी के जरिए से आप अपनी जिंदगी में सुकून ला सकते हैं सुकून के साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकती हैं और जाहिर है पैसा कमाना लोग कहते हैं हमने भी सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं होता लेकिन पैसा भी कुछ होता है तो घरों में अगर आपने खाना भी खाना है तो वो पैसों से ही आता है तो उसको कमाने के लिए बेहतरीन काम है, बेहतरीन हल है कि अगर आप अपनी हॉबी को जिस काम का करने का आपका दिल है केटरिंग आप करने शुरू कर दें आपका कुकिंग करने का दिल है तो आप केटरिंग शुरू कर दें उसमें आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है आप यकीन नहीं करेंगी जो जो वीडियो ये देख रही हैं जिनको कुकिंग का क्रेज़ है वो खाना पकाती हैं वो मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं वो मज़ेदार सी खीर बनाती हैं तो उनको ऐसे फील होता है जैसे जूं जूं कोई खाता है और उनके चेहरे पे खुशी आती है वो कहते हैं बहुत मज़े की खीर है तो वो बनाने वाले के अंदर लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा सुकून ऊपर से उसके अंदर उतर रहा है तो इसको कहते हैं हॉबी इसका मतलब आपके अंदर कुकिंग का पैशन है तो आप केटरिंग शुरू कर दें आपका हॉबी है उसको प्रोफेशन आप कैसे बनाते हैं उससे भी सुकून लें अगर आप पेंटिंग करती हैं तो आजकल एक ही कलर का जैसे बेड है तो लोग फिर एक ही कलर का एक रूम को पूरा डेकोर करते हैं जैसे अगर फर्नीचर ब्लैक कलर का है तो उनको ब्लैक या गोल्डन या ब्लैक और बेज इस तरह उनको ब्लैक एंड वाइट उनको आर्ट वर्क भी चाहिए होते हैं लोग आपसे ऑर्डर पे बनवा सकते हैं इस तरह की अपने आर्ट वर्क तो ये भी एज अ प्रोफेशन आप अपनी हॉबी को ले सकते हैं कि पेंटिंग बनाते हैं तो आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी आपकी बस मुकम्मल हो गई आप सरशार हो जाती हैं खुशी से जब आपकी पेंटिंग बनाती हैं इसी तरह केटरिंग का है अगर आपका खाना किसी को पसंद आया है जो ही आपके जैसे माँ बाप को आप चखाती हैं वो खाकर वेल्टन well कहते हैं और उनके वो जल्दी से प्लेट खत्म कर देते हैं खाकर और वो खुश होकर कहते हैं बहुत मजे का है तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है दैट्स द पॉइंट जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया में खुश रहने के लिए अपनी जिंदगी में एक हॉबी ढूंढें और उस हॉबी को इंजॉय भी करें और अगर आप में इतनी हिम्मत है वैसे हिम्मत पैदा कर लें आजकल बहुत ज़्यादा खर्चे हैं दुनिया में रहना महंगा हो गया है तो आप उस हॉबी को प्रोफेशन बना लें मेरा मशवरा है अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वीडियो देख रही हैं अपने हस्बैं की अपने अपने हस्बैंड की अपने पेरेंट्स इन लॉ की अपने सास ससुर की मर्जी के मुताबिक आप अपने हॉबी को प्रोफेशन बनाएं जाहिर है अर्निंग होगी उससे आपकी जिंदगी में और ज्यादा सुकून आ जाएगा आज की वीडियो में मैंने बात की कि हम जिंदगी में सुकून कैसे पा सकते हैं सुकून की चाबी किसके पास होती है हमारे सुकून की चाबी किसके पास होती है और कैसे हम सुकून हासिल कर सकते हैं जी हाँ अपनी हॉबी तलाश करें अपनी जिंदगी में अपनी हॉबी को शामिल करें कोई ना कोई आपके अंदर अल्लाह तला ने चीज रखी होती है जिससे आपको सुकून मिलता है आप वो काम करें और उस हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएं जैसे मैंने आपको बताया जैसे आपको मेहंदी लगाने आती है आपकी पेंटिंग अच्छी है आपको कुकिंग का शौक है आपको इंटीरियर डेकोरेटिंग का शौक है आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकती हैं तो आजकल तो बर्थडे पार्टीज और इतने इतने किस्म के फंक्शन होते हैं तरह तरह के तो आप उन फंक्शन में जाके सूरत सा तैयार करके आप खुद भी सेटिस्फेक्शन फील करेंगी और अर्निंग भी करेंगी और लोगों के इवेंट्स को खूबसूरत भी बनाएंगे बहुत ज्यादा चीजें हैं अपनी जिंदगी को पुरसकून बनाने के लिए अपनी अच्छी पॉजिटिव हॉबीज को अपना प्रोफेशन बनाएं अपने घर वालों की अपने घर के सरबरा की अपने घर के बड़े की इजाजत के बाद अगर आपके माँ बाप हैं अगर आपके बड़े बहन भाई हैं जिनके साथ आप रहते हैं या आप मैरिड हैं आपके हस्बैंड और बड़ों की इजाजत से अपनी हॉबी को अच्छे तरीके से प्रोफेशन बनाए और बगैर डरे मेहनत करें और अर्निंग करें अपने घर वालों का हाथ बटाएं लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखें ये भी हम सहेलियां आपस में करते हैं बात तो आज मैंने वो पॉइंट भी आपके साथ शेयर कर दिया चले ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें और आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा आपकी कोई अच्छी हॉबी है वो भी कमेंट्स में लिखें मेरी हॉबी तो पेंटिंग है कुकिंग है बहुत ज्यादा मेरी हॉबीज हैं। मैं नहीं बता सकती कुकिंग भी है स्केचिंग भी है और कुकिंग मेरी बेस्ट हॉबी है मैं पेंटिंग करती हूँ पेंटिंग करके एक दिमागी सुकून मिलता है इसके अलावा घर साफ कर लेती हूँ उससे भी खुशी मिलती है घर को साफ घर को डेकोर करती हूँ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाती हूँ अच्छे अच्छे डेकोरेशन लगाती हूँ उससे भी मुझे सुकून मिलता है खाना पका के अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ घर वालों को पका के देती रही हूँ अपने माँ बाप को भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे तो वो भी खुश होते थे तो बहुत ज्यादा मेरी हॉबीज हैं तो अपनी भी जिंदगी में हॉबी तलाश करें इस वीडियो को अपनी उन तमाम सहेलियों के साथ शेयर करें जो जिनको इस वीडियो की जरूरत है छोटी छोटी बच्चियों को भी ये वीडियो दिखाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब में आए हैं तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग कि यूट्यूब में आने का हक हाँ अदा करें सब्सक्राइब करें चैनल को जिस जिस चैनल की वीडियो अच्छी लगे उनको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें अप्रिशिएट किया करें कमेंट्स में और अपने माँ बाप को अपने पेरेंट्स को हर शरीर बात में जी बोला करें उनको ना ना बोला करें और अपने माँ बाप का महाना हर्चा लगाएं हर महीने अपने माँ बाप को उनकी जरूरत की चीजें ला के दिया करें उनको महाना उनका हर्चा भी बांधें अगर उनका हर्चा उनको पैसे नहीं देने हैं तो उनकी जरूरत की चीजें उनके लिए लिएदा कैबिनेट में उनकी लैदा अलमारी में ला रखें जैसे आपके माँ बाप आपके बचपन में आपके लिए कैंडीज और चिप्स आपके कमरे में आपके अलहदा दरा में छुपा के के रखती थी आपको देने के लिए इस तरह आप माँ बाप की चीजें जरूरत की चीजें उनकी अलमारी में छुपा के रखें जिनको सिर्फ आपके माँ बाप ही इस्तेमाल करें तो देखिएगा माँ बाप के दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए और आपके वो वो काम हो जाएंगे जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़नी थी चलिए अपना ध्यान रखिएगा अल्लाह